गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। डिस्कशन जो हम करेंगे आज बेटा, वो किस पे करेंगे कि प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो फर्टिलाइजेशन कोई नई टर्म आप लोगों के लिए है नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब भी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसका जो रिजल्ट होता है ना बेटा, वो क्या बनता है, जायगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके साथ एक और चीज यहाँ पे जुड़ी हुई है, साइफोनोगैमी, साइफोनोगैमी। और एक चीज यहाँ पे और हम बात करेंगे, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। इन दो बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि साइफोनोगैमी का मतलब क्या है। साइफोनोगैमी का मतलब बेटा यहाँ पर ये है कि आपने एक डायग्राम टेंथ में भी बनाया है, हमने अभी लास्ट लेक्चर में भी आपको बनवाया था कि जो स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है, और उसके नीचे क्या होती है बेटा, ओवरी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, और पोलन ट्यूब जो होती है वो स्टाइल से गुजरती हुई कहां तक पहुंच जाती है बच्चों, ओव्यूल तक पहुंच जाती है। तो ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब का एक सिस्टम चल रहा है, या फिर हम ये कहें कि जो मेल गैमेट आपके होते हैं वो एक ट्यूब के जरिए ओव्यूल तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो ऐसे एक प्रोसेस के लिए हम क्या टर्म यूज कर लेते हैं, साइफोनोगैमी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो उससे पहले क्या है कि ट्रेवलिंग ऑफ पोलन ट्यूब की हम बात करेंगे। जैसे ही बेटा पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर, तो सबसे पहले उसकी कंपेटेबिलिटी चेक की जाएगी स्टिग्मा के द्वारा ही। अगर वो कंपेटेबल है तो ही वो जर्मिनेट करेगा, अदर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही जर्मिनेशन होगा, वो जर्मिनेशन क्या किसकी हेल्प से होगा, यहाँ पर कुछ स्टिग्मेटिक सिक्रीशन होते हैं इस जगह पे ना, जो स्टिग्मा होती है पोलन के वजह से, शुगर, कैल्शियम, बोरोन, आइनोसिटोल, ये सारी चीजों को अब्सॉर्ब कर लेगा। कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट, जिनको ये अब्सॉर्ब करेगा पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कर देगा। तो ये चीज क्या है बच्चों, ये है आपकी पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब जो होती है दो मेल गैमेट्स को यहाँ पर कैरी कर देती है, इसीलिए इसको साइफोनोगैमी हमने बोला। अब जैसे ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, पोलन ट्यूब अंदर की तरफ आना शुरू कर जाती है। कई के बार तो आपको स्टाइल होलो मिल जाती है, तो बड़ा इजीली वो यहाँ तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर स्टाइल थोड़ी ठोस हो या हार्ड हो, उस कंडीशन में क्या होता है, इस पोलन ट्यूब के द्वारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट किया जाता है या पेक्टिनेज एंजाइम को सिक्रीट किया जाता है, ताकि ये अपना रास्ता बना सके। ये रास्ता कैसे बनाएंगे बच्चों अपना, यहाँ पे ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सिक्रीट करते चले जाएंगे, और रास्ते में जो भी टिश्यू इनके आ रहा है उन सबको ये तोड़ते चले जाएंगे। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और पेक्टिनेज एंजाइम दोनों क्या करते हैं, रास्ते में आने वाले जितने भी टिश्यूज होते हैं उनको डिजोल्व करते हैं। उसका एक फायदा तो ये होता है कि रास्ता बन जाता है, दूसरा पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए उन डिजोल्व सब्सटेंसेस को यूज कर लिया जाता है। तो दो बेनिफिट आपको इससे मिल जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पहुंचती है, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, पोलन ट्यूब को क्या पता कि यही जाना है। वो कैसे पता लगता है, आपकी जो एम्ब्रियो सैक होती है उसके अंदर बच्चों, उसके अंदर आपकी सिनर्जिड सेल होती है, ये आप अच्छे से जानते हो, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सिनर्जिड सेल है ना, ये अट्रैक्ट करती है, ये किसको अट्रैक्ट करती है, ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है कि आप इसकी तरफ आए, और पोलन ट्यूब जो होती है इसकी तरफ आएगी और इजिली एग तक पहुंच जाएगी। ये बीच वाली जो सेल है ये कौन सी सेल है बेटा, आपकी एग सेल है। तो सिनर्जिड सेल पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगी, और उसके बाद जो आपकी एग सेल है उसके पास मेल गैमेट तक पहुंचाएगी। जैसे ही पोलन ट्यूब आती है वो इतनी तेज स्ट्राइक करती है ना यहाँ पे आके, कि ये डीजनरेट हो जाता है, ये सारी चीज डीजनरेट हो जाएगी और मेल गैमेट को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। इस जगह तक आपका जो काम है किसका, पोलन ट्यूब का, वो खत्म हो गया, मेल गैमेट उसने रिलीज कर दिए। एक चीज यहाँ पे और नोट करना, पोलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करेगी, ये आपने बात ध्यान रखनी है। पोलन ट्यूब जब भी ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी हमेशा माइक्रोपाइलर एंड, डायग्राम आपने बनाया हुआ है, मैं फिर भी बना देती हूँ दोबारा। ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है पोलन ट्यूब हमेशा एंटर करेगी यहाँ से,
कई बार पोलन ट्यूब यहाँ से भी आ जाती है लेकिन वो घूम फिर के यहीं आएगी, कई बार पोलन ट्यूब यहाँ बीच में से आएगी लेकिन घूम फिर के यहीं आएगी, या फिर पोलन ट्यूब बाहर से आएगी तो भी यहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है ओव्यूल में एंट्री अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब अवम की तरफ जाना है तो पोलन ट्यूब को माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे बच्चों वो क्या बात करेंगे कि जो आपका दो मेल गैमेट है, अब वो क्या करेंगे आगे की उनकी क्या जर्नी रहेगी उसकी हम बात करेंगे। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट पाए जाते हैं, इसमें कोई नई बात आपके लिए ये नहीं है। अब हम इसके फेट की बात करेंगे, इनका फ्यूचर क्या है। देखिए जरा, सबसे पहला एग सेल जो होती है, या एग बोल देते हैं इसको हम, वो एक मेल गैमेट से फ्यूज करेगी और क्या बनाएगी बच्चों, जायगोट बनाएगी फर्स्ट थिंग। अब ये जो एग सेल है इसकी प्लॉयडी होती है एन, ये जो मेल गैमेट है इसकी भी प्लॉयडी होती है एन, तो इससे आपको टू एन जायगोट बन जाएगा। ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें एग और मेल पार्टिसिपेट करें उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब अगला जो मेल गैमेट दूसरा आया है, क्योंकि दो मेल गैमेट आए थे यहाँ पे, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, जो आपकी एम्ब्रियो सेल की बीच की जो सेल होती है ना दो, जिनको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला था, वो पोलर न्यूक्लियाई जो होती है वो टू एन होती है, क्योंकि उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, वो टू एन होती है। इट अटैच विद और फ्यूज विद द मेल गैमेट, तो दे विल फॉर्म पीई एन, पेन। ठीक है, सुनने में तो ये आपके नॉर्मल पेन जैसा लग रहा है लेकिन इसकी फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके प्लांट में इसकी प्लॉयडी कैसी है, 3N है। तो एक फर्टिलाइजेशन जनरेटिव जिसमें एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज करके जायगोट बनाया, दूसरा आपका वेजिटेटिव जिसमें पोलर न्यूक्लियस और मेल गैमेट मिलके क्या बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। क्योंकि एम्ब्रियो सैक में, एक ही एम्ब्रियो सैक में दो मेल गैमेट यूज हो रहे हैं और दोनों के दोनों ही फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से, इसीलिए प्लांट में फर्टिलाइजेशन को क्या बोला गया है, डबल फर्टिलाइजेशन। और एक चीज ध्यान रखनी है, पहले जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद ही वेजिटेटिव होगा, और खासकर कौन से प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। कौन से प्लांट में बच्चों, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। तो मैं इसको एक थोड़ा सा आपको छोटा सा एक फ्लो चार्ट सा बना देती हूँ ताकि आप वो क्लियर इसको समझ सके कि हमने किया क्या है। देखिए जरा, एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज हुआ और रिजल्ट बना जायगोट, एक मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ और रिजल्ट बना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ इसको हमने बोला जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसको हमने बोला वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, जब जायगोट बन गया तो इसकी बनाने की क्या आवश्यकता थी। देखिए बच्चों, जायगोट जो है जब डेवलप होगा तो आगे जाके सीड बनाएगा, और इस जायगोट को नरिशमेंट देने का काम कौन करेगा, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनने वाला एंडोस्पर्म करेगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्दर डिवीजन में जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और क्या बनाएगा बच्चों, एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये एंडोस्पर्म जो होता है ये जायगोट को नरिशमेंट देगा सो दैट इट कैन फर्दर डेवलप। तो इसीलिए ये बनना बहुत जरूरी होता है, पहले जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगा और वो उसको फॉलो किया जाएगा किसके द्वारा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के द्वारा। अब एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि पोलर न्यूक्लियस जब हम बना रहे थे तो इस तरीके से 2N और N फ्यूज करके 3N बनाया था, यानी कि थ्री न्यूक्लियस गेट फ्यूज्ड हेयर। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज कर लेते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब आपको क्लियर हुआ होगा वाई वी राइट, वाई वी रोट डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। इट मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन हो गया, कौन कौन सा, जनरेटिव और वेजिटेटिव, और किसी एक फर्टिलाइजेशन में तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, और आपका जो नरिशमेंट इम्यून टिश्यू बन जाएगा, आपको जायगोट बन जाएगा और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके फायदे क्या है, तो सबसे पहला फायदा तो यही है जी, मेल कैरेक्टर आ जाते हैं, मेल प्लांट के कैरेक्टर आ जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे मेल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड, पहली चीज।
दूसरी चीज क्या होती है, एक हाईली एफिशिएंट नरेटिव टिश्यू बनता है, क्योंकि पीईएन बनाए ना, तो हाईली एफिशिएंट न्यूट्रिटिव टिश्यू इज फॉर्म्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं, देखो ये एंजियोस्पर्म की बात चल रही है अभी तक, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है ना बेटा, वेजिटेटिव जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पहले लगता है। कहने का मतलब क्या है कि जी एंडोस्पर्म पहले ही बनके तैयार हो जाता है और जो फर्टिलाइजेशन है वो बाद में होता है। यहाँ पे पहले क्या था, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पहले फर्टिलाइजेशन होगा नॉर्मल, फिर एंडोस्पर्म बनेगा, यहाँ पे उल्टा है। तो कई बार क्या होता है, एंडोस्पर्म आपका बना के बैठ गए आप लोग, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो उस एंडोस्पर्म का क्या हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो जिम्नोस्पर्मी प्लांट होते हैं उनमें एंडोस्पर्म का बनना इतना वेस्टफुल क्यों माना गया है, तो आपने बताना है वो इसलिए है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, उससे पहले ही वो एंडोस्पर्म बना के बैठ गए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, आगे जाके भी नहीं हुआ, तो इसका बनना क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको हाईली वेस्टफुल प्रोसेस माना गया है। तो बेटा ये आज का आपका टॉपिक है जिसमें हमने बात करी कैसे पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है, होलो में होगी तो सीधी चली जाएगी, थिक में होगी तो कैसे अपना रास्ता बनाएगी, कैसे अपने मेल गैमेट्स को छोड़ेगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सिनर्जिक सेल गाइड करेगी, जैसे ही पोलन ट्यूब स्ट्राइक करती है सिनर्जिक सेल धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगी और दो मेल गैमेट को एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ दिया जाएगा। एक एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ दिया जाएगा, एक एग से मेल गैमेट फ्यूज होकर जायगोट बनाएगा और एक एग से फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।